अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मैस सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ये तो आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है। ये एक मेटेलिक सफियर पर मुश्तमिल होता है और मेटेलिक सफियर को, उस मैस को सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं एक स्ट्रिंग से बांधकर, एक रस्सी से बांधकर, धागे से बांधकर। और वो जो स्ट्रिंग है वो कहता है वेटलेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि स्ट्रेचलेस होनी चाहिए, उसका उसकी जो लेंथ है उसमें चेंजेस ना आए, स्ट्रेच ना हो सकती, और इसको किसी फ्रिक्शन लेस सपोर्ट से बांध दे। प्रैक्टिकली ये जो कंडीशंस हैं वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्रिक्शनलेस की, ये तो इनकम्पैटिबल है। हम कोई आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं बना सकते, क्योंकि आइडियल सिंपल पेंडुलम की जो कंडीशंस हैं, जो इसकी डेफिनेशन में लिखी गई हैं, वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, वेटलेस होनी चाहिए और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होनी चाहिए। ये सपोर्ट से बांध रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस तो होंगी ना, और जो स्ट्रिंग है चाहे वेट कम है लेकिन वेट लेस तो नहीं होगी और स्ट्रेचेबल भी होगी, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत उसकी लेंथ में चेंज भी आ सकेगी। तो हम ये करते हैं कि वो यूज लाइट वेट एंड लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ताकि जो भी हम इस पे ऑब्जर्वेशंस करें प्रैक्टिकली जो देखें इसको, तो वो तकरीबन रिजल्ट्स जो है वो ठीक आए। तो अब हम इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना चाहते हैं कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं मीन पोजीशन से और ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको पता है वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम है। तो एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट होनी है, जितना उसको टाइम लगना है, वो टाइम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्या वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है? क्या वो मेटेलिक सफियर के मैस पे डिपेंड करता है? क्या वो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है? क्या वैल्यू ऑफ जी जो है उस पे डिपेंड करता है? तो हम यही सीखना चाहते हैं कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और पेंडुलम की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मेटेलिक बॉब। ये जो मेटेलिक बॉब है, इसके सेंटर से लेकर इस सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम जो है अपनी मीन पोजीशन ए पे था, एल लेंथ है इसकी, इस पे फोर्स लगाई गई, इसको ले आए यहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट तक ले आए। जो आर्क लेंथ बन रही है उसका नाम एस है और टेंशन टी जो है ये अपवर्ड है, इधर स्ट्रिंग के अलोंग है, एंगल बना थीटा वर्टिकल एक्सिस के साथ, यहां पहुंच गया। जब ये ए पोजीशन पे था तो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड थी और इसका वेट कंप्लीटली वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था, जिस वजह से ये अपनी मीन पोजीशन से रेस्ट की हालत में था। जब आप इसको बी पोजीशन पे ले आए हैं तो वेट जो डाउनवर्ड है, अब इसके बन जाएंगे बेटा दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट वो बनेगा
जो के अलोंग द थ्रेड होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। जैसे कि यहां पे एंगल थीटा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, ऐसे ही हम इस वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा शो करेंगे और इस लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो थ्रेड वाली लाइन, स्ट्रिंग वाली जो लाइन, इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब वेट के बेटा दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक थीटा के सामने वाला कंपोनेंट और एक थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होता है। ये इधर को डाउनवर्ड जो लाइन लगाई है रेड कलर की, ये mg के बराबर है, वेट फोर्स होती है वेट। अब उसके दो कंपोनेंट बन गए फोर्स के, एक ये वाला बन गया mg cos थीटा और दूसरा इधर को बन गया लेफ्ट साइड की तरफ mg sin थीटा, जो कि थीटा के सामने। साइन कंपोनेंट हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो किया, आप यहाँ पे जैसे ब्लू लाइन से यहाँ पे शो किया इस मैस के पास, तो यहाँ भी शो कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ, और ये कंपोनेंट इधर को है। ये जो बेटा एम जी कॉस थीटा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। टी और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो टी बेटा इक्वल आ जाएगी एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा जो है वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। यहां पे देख ले, या ये वाली डायग्राम, दोनों लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर है टेंशन वाली लाइन के, स्ट्रिंग वाली लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, ये वेट जो है एक्चुअली फोर्स ही तो है, मतलब वेट का साइन कंपोनेंट जो है वो फोर्स है जो के मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लगती है, हमने बेटा उसका नाम रखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। सॉरी, यहां पे इस केस में हम उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस तरफ को लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। इसका मतलब है एम जी साइन थीटा यहां पे किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो हम फिर लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स की जो डायरेक्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स हमने लिखा था ओप्स लास्ट एफ इज इक्वल टू के एक्स, हमने लिखा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पे सिंपल पेंडुलम के केस में एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहे हैं। अब हम टाइम पीरियड का फार्मूला एक्चुअली ड्राइव करना चाहते हैं। तो एक तो फोर्स का ये फार्मूला आ गया है इक्वेशन नंबर वन, और फिर जब भी मोशन होती है, मोशन को स्टडी करने के लिए हमारी हेल्प करता है न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉज जो है हमारी हेल्प करना शुरू कर देते, और न्यूटन लॉ में हमारे पास जो थर्ड लॉ है और सेकंड लॉ है, ये बहुत ज्यादा अहम लॉज है। और यहां पे मोशन को स्टडी करना है, फोर्स की बात हुई है, तो सेकंड लॉ आपकी हेल्प करेगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा था, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होगा। भाई जब भी फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो इक्वेशन वन और टू को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट को बराबर रख लो, एम ए बेटा बराबर आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा। और अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो याद रखें साइन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ही होता है। अगर आपको यह बात समझ नहीं आती तो कैलकुलेटर आपके पास है, थीटा आप लिखो 1 डिग्री,
एंगल देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 0.017 जो आप कहते हैं। फिर आप साइन 1 डिग्री चेक करो उसका आंसर क्या आता है, वो भी तकरीबन इतना ही है। आप थीटा पुट करो 2 डिग्री, उस थीटा 2 डिग्री का जो रेडियन में आंसर आएगा और साइन 2 डिग्री का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा। ऐसे ही थीटा 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री के रेडियन बना लो और ऐसे ही साइन 3 डिग्री मालूम कर लो, 4 डिग्री 5 डिग्री। आप देखोगे थीटा अगर स्मॉल है तो आप साइन थीटा मालूम कर लो या जस्ट थीटा ही लिख लो, क्योंकि रिजल्ट तो एक जैसा है, तो इसलिए हम साइन थीटा की जगह पे थीटा ही पुट कर लेंगे, आसान करने जा रहे हैं चीजों को। तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब थीटा कैसे मालूम होगा एंगल, आपको पता है एंगल थीटा इक्वल होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। आर्क लेंथ ए भी यहां पे बनी है, इसका नाम एस है, एस लिख लिया। रेडियस ऑफ सर्कल जो बनेगा इस पाथ में इसने मूव करना है, तो रेडियस का काम यहां पे लेंथ करेगी, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम लिख लेंगे। अब अगर एंगल ही स्मॉल है तो एस और एक्स तकरीबन बराबर होंगे, तो हम एस की जगह पे एक्स लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए। ये आर्क लेंथ और ये जो एक्स है ये तकरीबन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम इक्वेशन बना लेंगे 4, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। अब इक्वेशन 4 में हमने थीटा फाइंड किया है, तो इसको पुट कर दो इक्वेशन 3 में। ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पे बेटा लिख दो एक्स ओवर एल, तो आपने लिख दिया एक्स ओवर एल। ऐसे ही इसको थोड़ा रीअरेंज किया, एल को आपने जी के नीचे लिख लिया, एक्स को अलग लिख। अगर हम लेंथ चेंज ना करें, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू भी अगर कांस्टेंट रहे तो जी ओवर एल जो है ये तो कांस्टेंट है सरफेस ऑफ अर्थ पे। किसी जगह पे आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लेंथ आप चेंज नहीं कर रहे, वैल्यू ऑफ जी भी कांस्टेंट है, तो एल और जी जो है ये कांस्टेंट है। तो आप इस रिलेशन को लिख सकते हो ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स, या आप लिख सकते हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये जो रिलेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है हमने शो कर दिया है कि भाई जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लॉन्ग क्वेश्चन इतना भी बन सकता है कि सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करें और शो करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। नेगेटिव साइन का यही मतलब। ऐसे ही आप बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक फार्मूला बनाया ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, लास्ट लेक्चर में शायद हमने डिस्कस किया है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। इस इक्वेशन 6 को 5 के साथ कंपेयर कर लो। एक एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम से हमने फाइंड किया, एक हम बना चुके हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट को बराबर रख लो, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे बेटा स्केयर रूट लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल आ जाएगा जी ओवर एल स्केयर रूट। ओमेगा आ गया तो समझ लो टाइम पीरियड भी आ गया। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, हमने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ फर्स्ट लेक्चर, वहां से हमने ये फार्मूला लिखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा हमने मालूम कर लिया जी ओवर एल स्केयर रूट, तो जी ओवर एल स्केयर रूट लिख दिया ओमेगा की जगह पे, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई ओवर जी ओवर एल स्केयर रूट। इसको थोड़ा रीअरेंज किया, एल ऊपर चला गया तो एल एल ओवर जी स्केयर रूट आ गया, तो टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई एल ओवर जी स्केयर रूट। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी 1 ओवर टी के, तो टी की वैल्यू यहां लिख देंगे तो 1 ओवर 2 पाई एल ओवर जी स्केयर रूट।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ जी के। मतलब टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ मेटालिक स्फीयर पे डिपेंड नहीं करता। एक होता है हमारे पास सेकंड्स पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू आ जाता है इसमें से, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/T होता है ना, तो 1/2 0.5 हर्ट्स। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्स होती है, और आप इस पेंडुलम की लेंथ मालूम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड का पता हो, वैल्यू ऑफ जी आप पुट करो 9.8, तो आप लेंथ मालूम कर सकते हैं, और ये लेंथ ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर के करीब आती है, 99.3 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ अगर हो इस पेंडुलम की तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है मास के और एम्पलीट्यूड के। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।